प्रोसेस। तो कहने का मतलब है अगर मैं यानी कि दोनों नेचर अपोजिट कैरेक्टर है और अपोजिट कैरेक्टर को फिर से शो करते हैं नेगेटिव सिंबल से, तो अगर मैं यहां पर निकालू नेट एनर्जी कैलकुलेट करूं ई इक्वल्स टू के की वैल्यू ये आएगा हाफ एन वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर और डेल्टा यू की वैल्यू ये आएगी एम जी एच वन माइनस एच टू। अब यहां पर हमने प्लस यूज किया है और यहां पर हमने माइनस यूज किया है बिकॉज प्लस नेट एनर्जी बाय डिफॉल्ट, बट नेचर क्या है काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है तो मैंने ये सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि लास्ट में जब एग्जिट होगा तो ये हायर होगा और ये क्या होगा ये लीस्ट होगा, तो दैट्स व्हाई आई एम सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो ये आ गया नेट एनर्जी। अब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ लेता है, बाय एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और ये हमारा कौन सा एनर्जी है प्रेशर एनर्जी। सो सिंस वी कैन क्रिएट या फिर इसे इक्वेशन मत करो जो ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी आ गई है, देखो एक इक्वेशन आप पढ़ लेते हैं बाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, भाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या पढ़ रखी है एरिया इनटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, यहां ए वन बी वन एट एक्स एंड ए टू बी टू एट वाई एंड बराबर क्या होगा कांस्टेंट। हाँ, अब यहां सारी की सारी जो बातें चल रही है वो वन सेकंड के लिए चल रही है, देखो यहां भी पर सेकंड चला था पर यूनिट टाइम सब जगह वन सेकंड इस टॉपिक चल रहा है, तो वन सेकंड का मतलब ये वी टू क्या होगा वी टू हो गया वन सेकंड में डिस्टेंस जितना ट्रेवल करता लिक्विड, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लिक्विड इज वी टू इन वन सेकंड एट वाई एन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लिक्विड इन वन सेकंड एट एक्स एन इज वी वन। राइट, तो ये एरिया इंटू वेलोसिटी मिलके क्या बनेगा वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन डेंसिटी, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। इज क्लियर, एम क्या है मास पर यूनिट टाइम, डेंसिटी क्या होगा चेंज नहीं होगी बिकॉज डेंसिटी क्यों चेंज नहीं होगी बिकॉज लिक्विड क्या है इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग क्या हो गया समझ गया ना। ठीक, अब ये वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट दिख रही है आपको W प्लस टू, देखो A1 A2 देखिए लैक्स मैंने मार्क कर दिया, इसके लिए आप क्या कर सकते हो M इंटू M अपॉन रो, तो M अपॉन रो वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा P1 माइनस P2। सिंस दिस वर्क डन इज ऑब्टेन इन टर्म ऑफ एनर्जी, तो W दैट इज M ओवर रो दिस वन P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा हाफ एन। अच्छा इसमें से भी देख लो, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे हाफ एन सी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर माइनस क्या एम जी एच वन माइनस एच टू। राइट, सो एम ओवर रो पी वन माइनस पी टू इक्वल टू कितना बचेगा एम कॉमन आ गया हाफ वी टू स्क्वायर माइनस हाफ वी वन स्क्वायर माइनस को अंदर ऑपरेट कर दू माइनस जी एच वन प्लस जी एच टू। ठीक, मास से मास कैंसिल, रो की अगर मल्टीप्लाई कर दो फाइनली क्या मिलेगा पी वन माइनस पी टू इक्वल टू क्या हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस हाफ रो वी वन स्क्वायर माइनस रो जी एच वन प्लस रो जी एच टू। P1 वन वाले एक तरफ कर लो, वन वाला कौन कौन है ये वन वाला ये वन वाला ये वन एक तरफ कर लो, तो सिंबल साइन चेंज हो जाएगा इसके क्या बनेगा P1 प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इक्वल्स टू P2 इधर आ गया प्लस हाफ रो
V2 square plus kya? Rho G H2. So, देखो, 1, 1, 1. Rho G तो common है, Rho और G common है. I mean, constant है. Rho and G are constant. So, 1, 1, 1. 2, 2, 2. So, you can write like this. P plus half Rho V square plus kya? Rho G H. बराबर क्या? Constant. Now, this is equation of, and this is Bernoulli's equation. This we have to prove now. So, again statement is there. For an ideal fluid, sum of pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, and potential energy per unit volume equal to constant throughout the motion of a liquid. ठीक, तो ये हमारी Bernoulli's theorem थी. ठीक है, इसके applications भी हैं venturing meter में, और बहुत सारे इसके applications हैं जो हम आगे की videos में discuss करेंगे. आज के लिए थैंक यू.